तीन बार कई बार विश्वविद्यालय का चक्कर काट लिए, कई बार मुख्यमंत्री निवास का चक्कर काट लिए, कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री का चक्कर काट लिए, लेकिन ये ऐसा लगता है कि गहरी निंद्रा में सोई हुई ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये उठने को तैयार ही नहीं है। इस तरीके से कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, उसी तरीके से यहाँ पे अंधेर नगरी और भूपेश राजा जी का यहाँ पे सरकार चल रहा है। कोई मतलब नहीं है इसको छत्तीसगढ़ के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे। आप देखिए, दो साल से जो व्यक्ति फर्स्ट ईयर में है वो दो साल से फर्स्ट ईयर ही में है, वो आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। कौन होगा इनके भविष्य का जवाबदार? दो साल इनका जो साल खराब हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मामले में, तो मुझे ये भी कह देना चाहिए कि कुलपति के ऊपर FIR दर्ज कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदारी होती है कि जो छात्र होते हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखना, लेकिन उनके भविष्य को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। आज भी अंधेरी नगरी और चौपट राजा का माहौल चल रहा है, इसलिए आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने आए थे और हम लोगों ने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से, कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हमारी परीक्षाएं कराया जाए। आखिरी में अगर ये हमारी परीक्षाओं के लिए यह परीक्षा कराए या हमें इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं या हमें इच्छा मृत्यु दे दे, दोनों में से एक चीज तो करना पड़ेगा, नहीं तो 22 तारीख को हम लोग का बड़ा आंदोलन कराया जाए। सियासी रंग दे रहे हैं ये कांग्रेस का कहना है।